हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक पर। तो चलिए आज की हम अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं जो कि हमारी होगी इतिहास की तीसरी क्लास। ठीक बच्चों, हम लोग क्या देख रहे थे इतिहास में, आधुनिक आधुनिक काल। ठीक बच्चों, भारत के इतिहास का हम क्या देख रहे थे, आधुनिक काल। आधुनिक काल के ऊपर है हमारी तीसरी क्लास होगी बच्चों। अभी तक हम लोगों ने दो क्लासों में देखा कि किस प्रकार से पुर्तगाली या किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी भारत आए, किस प्रकार से उन्होंने कंपनी स्थापित की, कहां कहां पर स्थापित की। इतना हम सब ने क्या देखा, दो क्लासों में देखा। ठीक, कल तक हमने देखा था बच्चों कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से भारत आई, और भारत में इन्होंने कहाँ सर्वप्रथम पहली फैक्ट्री स्थापित की, कौन भारत में इनके सबसे प्रथम राजदूत आए, कौन कब आए, इन सब के बारे में हमने बच्चों कल विधिवत विस्तार के साथ देखा था। आज हम लोग इसी के आगे देखेंगे कि पहली जो कंपनी इनकी स्थापित हुई थी कहाँ पे हुई थी बच्चों। पहली कंपनी जो इनकी स्थापित हुई थी वो हुई थी 1608 में, कहाँ पर, सूरत में। ठीक बच्चों, दूसरी कहाँ हुई थी, 1611 में, कहाँ पर हुई थी, तमिलनाडु के मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में कहाँ पर है, तमिलनाडु में क्या है, मसूलीपट्टनम। सूरत कहाँ पर है, गुजरात। ठीक, कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। ठीक बच्चों, आज हम लोग इसी के आगे देखेंगे कि अगली फैक्ट्री है कहाँ स्थापित करते हैं। तो अगली फैक्ट्री है स्थापित करते हैं सूरत में, करते सॉरी हुगली में करते हैं। हुगली में कब करते हैं, हुगली में स्थापित करते हैं यह लोग अपनी 1651 में, हुगली। आज हम लोग यहीं से आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी मैं आप बोल रहा हूँ फैक्ट्री, अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि फैक्ट्री का संबंध क्या है, जो आज के समय में जो फैक्ट्री है उनसे है, या उस समय की जो फैक्ट्री होती थी क्या संबंध है, क्या आज की तरह ही फैक्ट्री होती थी, क्या होती थी। तो बच्चों देखिए, जो आज की फैक्ट्री होती है आज के समय में क्या होता है बच्चों, जो आज के समय की फैक्ट्री होती हैं इनमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, इसमें क्या होता है, कोई वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुएं बनाई जाती हैं आज के संदर्भ में जो फैक्ट्रियां हैं। जबकि हम बच्चों देखें कि उस समय जब अंग्रेज यहाँ पर आए व्यापार करने आए 1600 के आसपास, 1611, 1608, 1651, इस टाइम जो फैक्ट्रियां हुआ करती थी वो बिल्कुल आज की फैक्ट्री से अलग थी। देखिए आप, जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेज भारत किस लिए आए थे, व्यापार करने आए थे, क्लियर सी बात है। जब अंग्रेज भारत आए तो देखिए वो यहाँ पर क्या करते थे, वस्तुओं को खरीदते थे, कच्चे माल को खरीदते थे और इंग्लैंड ले जाकर वहां पर उनसे प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक, तो एक चीज तो क्लियर हुई होगी कि जो आज के समय में फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, उस समय तो ना होता होगा, अंग्रेज यहाँ पे थोड़ी ना प्रोडक्ट का उत्पादन करते थे, वो प्रोडक्ट को कहाँ पर उत्पादित करते थे, इंग्लैंड में। तो भारत से क्या करते थे, भारत से वो कच्चा माल खरीदते थे, वस्तुओं को खरीदते थे और उनको किसी बंदरगाह स्थान पर, बंदरगाह नगर में रखते थे। जो बंदरगाह नगर पर रखते थे, कैसे रखते थे, चारों तरफ बाउंड्री बनाकर रखते थे। ठीक, वही क्या था, वही उनकी फैक्ट्री थी, वहीं पर अपनी सब वस्तुओं को रखते थे, वहीं पर वो खुद रहते थे, समझ रहे। तो आज के समय में हम कहते हैं कि आज के समय में देखा जाए तो लाइक डेट किसके, वेयर हाउस, जो आज के वेयर हाउस होते हैं हम कहते हैं गोदाम। ठीक, उस समय उसको क्या बोलते थे, फैक्ट्री बोलते थे। क्यों, क्योंकि इनका जो व्यापार था इंटरनेशनल था, और इसलिए बंदरगाह पर रहते थे क्योंकि नौकाओं से इनका व्यापार होता था, इसलिए है लोग बंदरगाह, देख रहे हो आप, बंदरगाह सूरत, बंदरगाह मसूलीपट्टनम, बंदरगाह क्या, सब बंदरगाह नगर है, यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। क्लियर, अब देखिए, अब हमने कल देखा था कि कितनी प्रेसिडेंसी होती है इन लोगों की, कितनी
तीन प्रेसिडेंसी होती हैं। कल हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी है जो, इसकी तीन प्रेसिडेंसी भारत में होती हैं। कौन कौन सी होती है बच्चों? पहली होती है मद्रास। मद्रास, मद्रास को कब बनाते हैं? 1640 में। ठीक बच्चों, मद्रास को प्रेसिडेंसी कब बनाते हैं बच्चों? या मद्रास को प्रेसिडेंसी बनाते हैं 1640 में। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे देखें, मद्रास किसके अधीन होता है इस समय? जब यह मद्रास में अपनी क्या होता है प्रेसिडेंसी बनाते हैं, तो मद्रास किसके अधीन होता है इस समय? देखिए, यहां पे होता है जो गोलकुंडा के सुल्तान। कौन? गोलकुंडा के सुल्तान। यहां पर कौन होते हैं? गोलकुंडा के सुल्तान होते हैं। वो क्या करते हैं? वह एक सुनहरा फरमान जारी करते हैं। क्या करते हैं? सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान जारी करते हैं। ठीक, और सुनहरा फरमान जारी करते हैं और 1632 ईस्वी में 1632 में 500 पैगोड़ा, पैगोड़ा क्या होती थी? मुद्रा। 500 पैगोड़ा के बदले जो मद्रास बंदरगाह था वो किसको दे देते हैं? अंग्रेजों को दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। कौन दे देते हैं? तो देखिए, जो गोलकुंडा के सुल्तान होते हैं वो एक सुनहरा फरमान जारी करते हैं, और इस सुनहरे फरमान से क्या करते हैं? 500 पैगोड़ा पे क्या करते हैं? ये 500 पैगोड़ा से ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास दे देते हैं। जब मद्रास दे देते हैं तो क्या करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी? 1640 में अपनी पहली प्रेसिडेंसी, ठीक, 1640 में अपनी पहली प्रेसिडेंसी मद्रास में स्थापित करते हैं। प्रेसिडेंसी समझ रहे हो ना, जहां पर इनके गवर्नर लोग रहते थे उसको प्रेसिडेंसी कहते हैं। ठीक, प्रेसिडेंसी क्या है? जहां पर इनके अधिकारी लोग रहते थे वो प्रेसिडेंसी है। तो पहली प्रेसिडेंसी कहां पे बनाते हैं? मद्रास में बनाते हैं। पर याद रखिएगा, प्रेसिडेंसी तो इनने यहाँ पे बना ली, पर क्या होता है, यहाँ पर अपना केंद्र नहीं बनाते हैं। केंद्र कहाँ बनाते हैं? सेंट्रल कहाँ बनाते हैं? अपना बंगाल, क्योंकि इनकी तो बंगाल पे नजर थी, क्योंकि इस समय क्या था, जो बंगाल था यह भारत का सबसे धनी प्रदेश था, इसलिए इनकी नजर कहां पर थी? बंगाल की थी। और यह क्या करते हैं? बंगाल पे अगली फैक्ट्री बनाते हैं। अगली फैक्ट्री कब बनाते हैं? मैंने क्या बताया आपको, 1651 में। 1651 में एक ब्रिजमैन करके व्यक्ति होते हैं, ब्रिजमैन करके एक व्यक्ति होते हैं, यह बंगाल के हुगली, बंगाल के हुगली में, बंगाल के हुगली में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? बंगाल में कब फैक्ट्री बनाते हैं? हुगली में 1651 में। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, अब यहीं पर क्या होता है, जब यह फैक्ट्री बनाते हैं तो बंगाल के जो सूबेदार होते हैं वो होते हैं शाह शुजा, शाह शुजा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, मुगल बादशाह कौन से होते हैं? तो शाहजहां, शाहजहां। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा, मुगल बादशाह शाहजहां। क्लियर? 1651 में ब्रिजमैन के द्वारा बंगाल की हुगली पर फैक्ट्री बनाई जाती है। ठीक, आगे चलकर क्या होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी हो जाती है, मद्रास प्रेसिडेंसी हो जाती है। ठीक, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, दो प्रेसिडेंसी हमने देख ली। अब क्या देखना है? अब देखिए, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है इसमें क्या होगा, आगे चल के अंग्रेज बंगाल को केंद्र बनाकर पूरे भारत पर 200 वर्षों तक राज करेंगे। तो इस कहानी को हम अभी यहीं पर रोकते हैं, हम अपनी अगली कहानी को देखते हैं। पहले हम तीनों प्रेसिडेंसियों को देख लें, किस प्रकार से स्थापित किया अंग्रेजों ने, फिर किस प्रकार से बंगाल को केंद्र बनाकर बैटल ऑफ प्लासी होगा, बैटल ऑफ बक्सर कराएंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, मद्रास देख लिया, बंगाल देख लिया, अब हम लोगों को क्या देखना है बच्चों, अब हम लोगों को यहीं पे साइड में देख लेते हैं हम लोग बंबई, बंबई, बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी।
अब समझिएगा बंबई प्रेसिडेंसी को, समझिएगा बंबई प्रेसिडेंसी है जो इनको क्या इनको दहेज में मिली थी, क्या मिली थी दहेज में। देखिए जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी इनकी बंगाल में, इनको किसने बनाई थी, मद्रास को किसने बनाई थी, देखो जो जॉब चरनॉक साहब थे, कौन थे जॉब चरनॉक, मैंने बताया था ना, तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी इनकी किसने बनाई थी, जॉब चरनॉक ने, ठीक। जबकि मद्रास किसने बनाई थी, फिलिप फ्रांसिस ने, फिलिप फ्रांसिस फ्रांसिस ने। बंबई प्रेसिडेंसी, अब देखिए बंबई प्रेसिडेंसी के इतिहास देख लें किस प्रकार से अंग्रेजों को बंबई प्रेसिडेंसी मिली। तो होता क्या है, देखिए इंग्लैंड के जो राजा होते हैं प्रिंस चार्ल्स होते हैं, घटना कब की है बच्चों, घटना है 1661। 1661 में क्या होता है बच्चों, इंग्लैंड के जो राजा होते हैं प्रिंस चार्ल्स, इनकी शादी होती है पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन मियो से। किससे बच्चों, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन मियो, कैथरीन मियो से इनकी शादी होती है। अभी तक मुंबई किसके कब्जे में है, अभी तक मुंबई पुर्तगालियों के कब्जे में है। इनकी शादी होती है कैथरीन मियो से, जिनकी शादी कैथरीन मियो से होती है तो क्या करते हैं पुर्तगाली, शादी में उपहार स्वरूप या दहेज के रूप में मुंबई किसको दे देते हैं, प्रिंस चार्ल्स को दे देते हैं। अब प्रिंस चार्ल्स को जब मुंबई मिल जाती है तो अब प्रिंस चार्ल्स तो है कहां पे, इंग्लैंड में, लेकिन उनके देश की एक कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, इसलिए प्रिंस चार्ल्स क्या करते हैं 1668 में प्रिंस चार्ल्स चार्ल्स 10 पाउंड वार्षिक, 10 पाउंड वार्षिक पर क्या करते हैं, मुंबई को किनको दे देते हैं, अंग्रेजों को दे देते हैं, ठीक। तो यहीं पर एक व्यक्ति होते हैं गैरोल्ड, कल भी मैंने बताया था अयंगार, गैरोल्ड अयंगार साहब होते हैं मुंबई में, यह क्या करते हैं यहां पर मुंबई शहर की स्थापना करते हैं, बाद में यहां पर अंग्रेज के गवर्नर रहने लगते हैं, इसलिए इसको मुंबई प्रेसिडेंसी कहते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ होगा, एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। हमने क्या देखा, 1608 में सूरत में बनाते हैं, 1611 में मसूरीपट्टनम में बनाते हैं, 1651 में हुगली में बनाते हैं, ठीक। पहली प्रेसिडेंसी इनकी मद्रास 1640 में बनाते हैं, किससे नया अधिकार मिलता है, गोलकुंडा के जो सुल्तान होते हैं वो क्या करते हैं, एक सुनहरा फरमान जारी करते हैं, सुनहरा फरमान 1632 में, जिसमें 500 पैगोड़ा के बदले, पैगोड़ा एक मुद्रा होती है, तो 500 पैगोड़ा के बदले क्या किया जाता है, 500 पैगोड़ा के बदले बच्चों मद्रास को अंग्रेजों को दे दिया जाता है। अंग्रेज बाद में क्या करते हैं 1540 में यहाँ पर प्रेसिडेंसी बनाते हैं, इसके बाद 1651 में ब्रिजमैन हुगली में पहली फैक्ट्री बनाता है और बंगाल में प्रेसिडेंसी बनाते हैं। इस समय यहाँ के नवाब कौन थे, मुगल बादशाह थे शाहजहां, बंगाल का जो सूबेदार था वो था शाह शुजा, क्लियर। अब देखी जाए तो मद्रास जो प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने बनाया, फिलिप फ्रांसिस ने, कलकत्ता को किसने बनाया, जॉब चरनॉक ने। अब मुंबई पे आते हैं तो मुंबई पहले थी पुर्तगालियों के पास, पुर्तगालियों की रानी या पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन मियो की शादी होती है प्रिंस चार्ल्स से 1661 में, और 1668 में क्या होते हैं, प्रिंस चार्ल्स कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक पर मुंबई दे देते हैं। यहीं पर एक व्यक्ति होते हैं गैरोल्ड अयंगार, ये मुंबई शहर की स्थापना करते हैं, बाद में यहाँ पर गवर्नर रहने लगते हैं कंपनी के, इसलिए से मुंबई प्रेसिडेंसी कहा जाने लगा। क्लियर, क्लियर होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि बंगाल पर कंपनी का अधिकार, ठीक बच्चों। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे बच्चों बंगाल पर कंपनी का अधिकार, कि किस प्रकार से बंगाल पर कंपनी ने अधिकार किया है, ठीक बच्चों। क्या बंगाल पर कंपनी के अधिकार, और हो सके जितना तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें, क्लियर। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, हम लोग डालेंगे हेडिंग बंगाल पर कंपनी का शासन, बंगाल पर कंपनी का अधिकार, अधिकार क्या देख रहे हैं बच्चों, बंगाल पर कंपनी का अधिकार। अब देखिए बच्चों, बंगाल पर कंपनी का अधिकार देखने से पहले हम लोगों को एक चीज समझना है, भारत में कौन होते हैं, मुगल बादशाह होते हैं। मुगल बादशाहों को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, समझिए, एक होते हैं परावर्ती, एक होते हैं पूर्ववर्ती। एक होते हैं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मुगल बादशाह, एक होते हैं परावर्ती मुगल बादशाह, पूर्ववर्ती परावर्ती, क्लियर बच्चों। जो पूर्ववर्ती मुगल बादशाह होते हैं इनमें कौन से होते हैं, सबसे पहले भारत में कौन आता है, बाबर, बाबर। फिर कौन से होते हैं, हुमायूं। फिर कौन से होते हैं, अकबर। अकबर के बाद कौन से होते हैं, जहांगीर। जहांगीर के बाद बच्चों कौन होते हैं, शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां के बाद बच्चों कौन से होते हैं, औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु बच्चों कब होती है, 3 मार्च 1707 में औरंगजेब का होते हैं, निपट जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जो राजा होते हैं बच्चों, उनको हम किनको कहां पर रखते हैं, उनको हम परावर्ती में रखते हैं, ठीक। तो परावर्ती में कौन होता है, औरंगजेब की जब बच्चों में मृत्यु हो जाती है तो इसके लड़का होते हैं मुअज्जम, मुअज्जम। इसी को कहा कहते हैं बच्चों, बहादुर शाह, ठीक। इसके बाद कौन आते हैं, जहांदर शाह, जहांदर शाह। फिर कौन आते हैं, फरखुसियार। इसके बाद कौन आते हैं, रफी उत दरजात, रफियत दरजात। इसके बाद कौन आते हैं, रफी उत दौला, क्लियर। इसके बाद कौन आते हैं, देखिए, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, फरखुसियार। एक मिनट बच्चों, देखिए तो मोहम्मद, देखिए पूर्ववर्ती में कौन है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन आते हैं, 3 मार्च 1707 में मृत्यु जाती है, उसके बाद कौन आते हैं, मोहम्मद, सॉरी, इसके लड़के मुअज्जम। मुअज्जम को क्या, बहादुर शाह। फिर जहांदर शाह, फरखुसिया, रफी उत दरजात, रफी उद दौला। फिर कौन से आते हैं बच्चों, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, क्लियर हुआ, मोहम्मद शाह। अब ये जो मोहम्मद शाह होता है बच्चों, इस मोहम्मद शाह के समय में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत काल टूटने लगता है। देखिए कमजोर तो पतन तो यहीं से होने लगता है, सॉरी दिल्ली सल्तनत काल कह दिया, सॉरी मुगल, तो मुगल काल होता है इनका, मुगल सम्राट का पतन कहां से शुरू होने लगता है बच्चों, जैसे ही 1707 में 3 मार्च को क्या होती है, औरंगजेब की मृत्यु होती है, और जो मुगल काल होता है या मुगल साम्राज्य होता है वो कमजोर होने लगता है। क्यों, क्योंकि इनको कोई एक योग्य राजा नहीं मिलता है, एक योग्य सुल्तान नहीं मिलता है। तो कौन आते हैं उनके बाद, जो औरंगजेब का लड़का होता है मुअज्जम, मुअज्जम के बाद जहांदर शाह, जहांदर के साथ फरखुसियार, फरखुसियार के रफी उद दरजात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में क्या होता है बच्चों, जो दिल्ली से राज्य अलग होने लगते हैं, ठीक, छोटे छोटे राज्य अलग होने लगते हैं। जैसे कि मैं देख लूं कि पहले यहां से कौन होता है, हैदराबाद अलग हो जाता है,
हैदराबाद, एक दो हम देख लेते हैं। इसके बाद कौन सा होता है, अवध हो जाता है, अवध हो जाता। इसके बाद कौन से होता है अपना जो हमको पढ़ना है, बंगाल। ये क्या होते हैं, यह धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। ठीक, हैदराबाद को बच्चों कौन अलग करता है, हैदराबाद को कहते हैं चिल्किनिज खान, चिल्किनिज खान। क्लियर। अवध को कौन करता है, सआदत खान, सआदत खान। बंगाल को कौन करता है बच्चों, बताएं, बंगाल को कमेंट करें आप कौन करता है, तो बंगाल को करता है मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। बंगाल को कौन करता है, मुर्शिद कुली खान। क्लियर। कब करते हैं, 1722 में, 1722 में। क्लियर, तो समझ में आया आपको बंगाल पे कंपनी का अधिकार किस प्रकार से। देखिए हम लोग अभी पृष्ठभूमि बना रहे हैं, इसके बाद बंगाल पे अधिकार कराएंगे, फिर बंगाल के नवाबों को देखेंगे, इसके बाद हम बैटल ऑफ प्लासी कराएंगे, बैटल ऑफ बक्सर कराएंगे, फिर अंग्रेजों को किस प्रकार से चार्टर एक्ट आए, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर। तो अभी क्या देखना हमको, कंपनी पर, सॉरी बंगाल पर कंपनी का अधिकार। तो इसको जानने से पहले हम किसके, भारत में कौन थे, मुगल थे, तो मुगलों को देख लिया। पूर्ववर्ती में देखें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 को। इनके बाद जो परावर्ती राजा होते हैं, मुअज्जम, जहादरशाह, फरकुशिया, रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में क्या होता है, दिल्ली से जो उनके अलग अलग राज अलग होने लगते हैं। जैसे हैदराबाद को कौन अलग कराता, स्वतंत्र कराता है, चिल्किनिज खान। अवध को सआदत खान, ठीक, और बंगाल को मुर्शिद कुली साहब क्या करते हैं, इनको अलग कराते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बंगाल। हमको पढ़ना क्या है बच्चों, हमको देखना है बंगाल, किस प्रकार से बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, बंगाल को देखेंगे, तो बंगाल के हम नवाबों को देखेंगे। तो जब तक मैं साफ कर दूं, आप लिख लीजिए। ठीक बच्चों, तो देखते हैं हम बंगालों के नवाबों का क्रम। जो बच्चों बंगाल के नवाबों का क्रम होता है वो क्या होता है, पहले तो मुर्शिद कुली होंगे, फिर सुजाउद्दीन होंगे, फिर सरफराज होंगे। पहले कौन से, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, फिर कौन से, सुजाउद्दीन, इसके बाद कौन आते हैं, सरफराज, फिर कौन आते हैं, अलीवर्दी के बाद सिराजुद्दौला के बाद बच्चों कौन आता है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम के बाद मीर जाफर के बाद बच्चों नजमुद्दौला। ठीक बच्चों, ए हो गया क्या, बंगाल के नवाबों का क्रम। क्लियर। हमारे लिए इंपोर्टेंट कहां से है, अलीवर्दी खां से। देखिए मीर जाफर होता है कितने बार, 2 बार नवाब बनता है। कितने बार बच्चों, 2 बार नवाब बनता है, 2 बार नवाब। क्लियर। नजमुद्दीला होता है कि अंतिम नवाब। अब देखिए आप लोग क्या है बंगाल के नवाबों का क्रम, बंगाल के नवाबों का क्रम।
तो समझ में आया बच्चों आपको, बंगाल के नवाबों का क्रम, किस प्रकार बंगाल पे नवाबों के शासन रहे। तो मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र कराया बंगाल को, इसके बाद शुजाउद्दीन आए, फिर सरफराज आए, सरफराज के बाद अलीवर्दी, अलीवर्दी के बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर, मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला। इसके बाद क्या होता है, पूर्णतः कंपनी का अधिकार बंगाल पर हो जाता है और धीरे धीरे पूरे देश पर हो जाता है। इतनी सब चीजें क्लियर हुई बच्चों, तो क्लियर हुई। अब आप यहां से कहानी सुनिएगा, क्या होता है जो अलीवर्दी खान साहब होते हैं, यह क्या करते हैं बच्चों, जो अलीवर्दी खान साहब होते हैं यह क्या करते हैं, जब यह गद्दी पर बैठते हैं, नवाब बनते हैं बंगाल के, तो यह क्या करते हैं, यह 200 करोड़ रुपए किसको, देखिए इस समय जो मुगल बादशाह होते हैं कौन होते हैं, किसके समय, अलीवर्दी खां के समय जो मुगल बादशाह होते हैं वो होते हैं कौन, रंगीला, मुहम्मद शाह रंगीला, ठीक, कौन होते हैं, मुहम्मद शाह रंगीला, वो आप लोग जानते ही हो, रंगीला तो रंगीला थे, इनको क्या मतलब था, ये इनको क्या देता है अलीवर्दी, इनको मोहम्मद शाह रंगीला को 200 करोड़ रुपए की रिश्वत देता है कि साहब ऐसा करके आप मेरे नाम को घोषणा कर दीजिए, क्या आप मेरे नाम की घोषणा कर दीजिए कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां होंगे। रंगीला भी कहते हैं, बोले ठीक है हम तो रंगीला हैं ही, कर देते हैं, जाओ बोले जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, कर दिया आज से तू नवाब होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद बंगाल को एक भी राजस्व को ने मुगलों को नहीं भेजा, किसने मुगलों को नहीं भेजा, अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान रहते हैं कब तक, 1756 तक, 1756 तक, 1756 1756 तक जब अलीवर्दी खान रहते हैं, और 1756 में जब अलीवर्दी खान निपटने लगते हैं, तो राजा कौन किसको बनाते हैं, अलीवर्दी खान राजा बनाता है सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला राजा कब से कब तक रहते हैं, 1756 से 57 तक, 56 से 57 कुछ टाइम के लिए सिराजुद्दौला रहते हैं। ये वही सिराजुद्दौला हैं जो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ते हैं, किसके विरुद्ध, क्लाइव के विरुद्ध। अब देखिए क्या होता है, अलीवर्दी खां, कहानी सुनिए अब, अलीवर्दी खां की क्या होती है, अलीवर्दी खां की कोई लड़का नहीं होता है, ठीक, अलीवर्दी खां के लड़का नहीं होता है, तो इनकी जो लड़की होती हैं, उनकी दो लड़की होती हैं, एक का नाम होता है मुन्नी बेगम और एक का नाम होता है बच्चों क्या, घसीटा बेगम। जो सिराजुद्दौला हैं यह मुन्नी बेगम के लड़के होते हैं, जबकि घसीटा बेगम होती हैं जो कौन होती है बच्चों, घसीटा बेगम, घसीटा बेगम का लड़का होता है वो शौकत जंग होता है, कौन होता है बच्चों, शौकत जंग, शौकत जंग किसके होते हैं, घसीटा बेगम के। अब यहां पर क्या होता है, पूरा राजपाट मिल जाता है सिराजुद्दौला को, ये तो गलत भी है, एक एक लड़की के लड़के को तुमने सब दे दिया, एक को कुछ नहीं दिया, अब इससे क्या होता है, इसमें इनमें आपस में फूट होती है, दुश्मनी बढ़ती है। अब दुश्मनी बढ़ती है तो फायदा कौन उठाएंगे, अंग्रेज। जब अंग्रेज क्या करते हैं, इनकी मदद करने लगते हैं, क्लियर, किनकी, घसीटा बेगम की और शौकतगंज की। पर सिराजुद्दौला भी दिमागदार व्यक्ति होता है, सिराजुद्दौला क्या करता है, घसीटा बेगम से कहता है, अरे मौसी ये अपने अंदर घर की बात है, घर का मामला हम लोग घर में सुलझा लेते हैं, क्यों बाहर आप इसको हवा कर रही हो। तो घसीटा बेगम को बुलाते हैं कि आप आइए, और जैसे ही घसीटा बेगम उनके पास आती हैं, वो उनको काल कोठरी में कैद करा देते हैं। जब काल कोठरी में घसीटा बेगम को कैद करा देते हैं, तो क्या होता है, घसीटा बेगम का चैप्टर खत्म। अब कौन बचे, शौकत जंग। अब इस शौकत जंग को क्या कहते हैं, 1756 में एक युद्ध होता है, मनिहारी का युद्ध, मनिहारी, मनिहारी का युद्ध। इस मनिहारी के युद्ध में 1756 में शौकत जंग मारा जाता है, शौकत जंग मारा जाता है, और राजा बनते हैं सिराजुद्दौला। अब यहीं पे एक घटना होती है, जब यह इस युद्ध में विजयी होते हैं, तो क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर होता है बच्चों, बंगाल के गवर्नर कौन होता है, बंगाल के गवर्नर होता है यहां पे ड्रेक, जनरल
ड्रैक, जनरल ड्रैक क्या करता है, कलकत्ता पर घेर लेता है कलकत्ता को, वो कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। अब जैसे ही सिराजुद्दौला यहां से फ्री होते हैं, वो देखते हैं कि जनरल ड्रैक ने क्या किया, बंगाल का जो अंग्रेज गवर्नर है उसने क्या किया कि कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब जब कलकत्ता पर अधिकार कर लेगा तो एक राजा का फर्ज होता है कि अपने क्षेत्र को आजाद कराए। तो यहां से कौन जाता है, सिराजुद्दौला जाता है और जनरल ड्रैक को खदेड़ देता है, और फिर से क्या करता है, इनको अंग्रेजों को खदेड़ देता है कलकत्ता से, वो कलकत्ता को जीत लेता है, वो कलकत्ता को जीत लेता है और उसका नाम क्या रख देता है बच्चों, कलकत्ता का जो नाम होता है उस कलकत्ता के नाम को अली नगर कर देता है। क्या बच्चों कर देता है, कलकत्ता के नाम को अली नगर कर देता है। क्या होता, कलकत्ता को जीतकर कलकत्ता का नाम क्या कर देता है बच्चों, अली नगर। अभी यहीं पर अली नगर की संधि होगी ठीक, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच क्या होता है, कलकत्ता को जीत लेता है और अली नगर की संधि करता है। अब देखते हैं क्या होता है, और कलकत्ता पे किसको, कलकत्ता का सूबेदार किसको, माणिक चंद्र को बना देता है। किसको बना देता है कलकत्ता का सूबेदार, माणिक चंद्र को, कौन, सिराजुद्दौला। अंग्रेजों को भगा देते हैं और क्या करता है, यहीं पर एक घटना निकल के आती है यहीं से कि 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक 18x14 की काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जिसमें 123 मर जाते हैं और 23 केवल जिंदा बचते हैं। यह घटना कब की है, यह घटना है 20 जून 1756 की, और इस घटना को बच्चों हम लोग कहते हैं ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना। किसकी घटना बच्चों, ब्लैक होल की घटना। इसका उल्लेख कौन करता है, तो जो 23 लोग बचते हैं इन्हीं में एक होते हैं हॉलवेल करते हैं इस ब्लैक होल की घटना का उल्लेख। तो क्लियर, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक होल की घटना कब हुई, तो 20 जून 1756 की हुई। क्या होता है इसमें, 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है 18x14 के काल कोठरी में। अगले दिन जब खोल के देखा जाता है तो 123 लोग क्या होते हैं, पर लोग सुधार जाते हैं, 23 लोग बचते हैं। इन्हीं 23 लोगों में से एक व्यक्ति होता है हॉलवेल, और जो इस घटना का उल्लेख करता है, ब्लैक होल घटना का। यह खबर लगती है किसके पास, क्लाइव को। यह खबर जब क्लाइव को लगती है, इस समय क्लाइव कहां पर हुआ करता है, तो इस समय जो क्लाइव होता है मद्रास प्रेसिडेंसी में एक क्लर्क के पद पे होता है। कौन होता है, क्लाइव कब हो, कहां पे होता है, क्लाइव मद्रास प्रेसिडेंसी में एक क्लर्क के पद पर होता है। उसको जब एक चीज मालूम लगती है तो वहां से एक टुकड़ी लेकर सैनिकों की कहां आता है, बंगाल आता है। और जब वो बंगाल आता है तो यहाँ पर इनकी एक त्रुटि होती है, एक संधि होती है, अली नगर की संधि जिसे कहते हैं। किन किन के बीच होती है, सिराजुद्दौला के बीच होती है और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। इस संधि में क्या होता है, जितने अधिकार मिले हुए होते हैं सिराजुद्दौला को, वो सभी अधिकार देने होते हैं किसको, क्लाइव को। अब यहाँ पर सिराजुद्दौला भी फड़फड़ा जाता है, बोले हम नवाब हैं, हमारे अधिकार, लेकिन इतने से क्लाइव को भी चैन नहीं था, वहां उनको। अब इसी से क्या होती है फिर आगे चलकर, अब क्लाइव क्या करता है, क्लाइव धीरे धीरे करके जो सिराजुद्दौला के खास व्यक्ति होते हैं उनको अपने साइड मिला लेता है, और फिर क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी बच्चों कब होता है, तो बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में। प्लासी बच्चों है कहाँ, प्लासी है बंगाल में के 24 परगना जिले में, हुगली नदी के किनारे पर।
इन सब के बारे में बच्चों हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। विधिवत आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक आपको एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि बंगाल के नवाबों के क्रम में जो थे मुर्शिद कुली खां थे, इसके बाद सुजाउद्दीन थे, फिर सरफराज थे, अली वर्दी थे, मीर जाफर थे, मीर कासिम थे, मीर जाफर थे, नजमुद्दौला थे। नजमुद्दौला अंतिम नवाब थे, मीर जाफर दो बार बनता है नवाब, क्लियर। इसके बाद देखा जाए तो जो अली वर्दी खां होते हैं इनकी कोई संतान तो होती है, लड़का नहीं होता, इनकी दो लड़की होती हैं, एक घसीटा बेगम एक मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम के जो लड़का होते हैं उसका नाम होता है सिराजुद्दौला, जिसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है, जिससे घसीटा बेगम के लड़का शौकतगंज और घसीटा बेगम ये इनके विरुद्ध हो जाती हैं। और होना भी चाहिए कि एक को तुमने कुछ नहीं दिया, एक को सब दे दिया, और जो इनके आसपास के होते हैं घरेलू परिवार के वो भी विपक्ष में हो जाते हैं, क्योंकि रिश्ता देख रहे हो आप, कहां लड़की के लड़का कहां परिवार के लोग। तो इसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला को आपसे संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है 1756 में क्या होता है मनिहारी का युद्ध होता है। मनिहारी के युद्ध में शौकतगंज मारा जाता है, यहाँ पर घसीटा बेगम को जेल में डरवा दिया जाता है। जब यह इस युद्ध में विजय होता है तो क्या होता है, जनरल डायरेक्ट कलकत्ते को घेर लेता है, तो यह युद्ध से जाके जब जाता है तो उनको भगा देता है और कलकत्ता का नाम अलीनगर कर देता है। यहाँ का सूबेदार मानिक चंद को बना दिया जाता है और क्या होता है 146 लोगों को पकड़ लिया जाता है और 18/14 की एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जो अगले दिन खोलते हैं 123 लोग उसमें मृत होते हैं, 23 लोग जीवित होते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति होते हैं हॉलवेल, जो इस घटना का उल्लेख करते हैं, और यह घटना है 20 जून 1756 की, और इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। यह मैंने जल्दी जल्दी आपको रिकैप करा दिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो, वीडियो अच्छी लगती हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलें। आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो।